खरगोन जिले के ऊन थाना पुलिस अंतर्गत ग्राम बड़वाली में दो अज्ञात बाइक सवारों ने एक स्कूल संचालक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि कल देर रात शाम को ऊन थाने के अंतर्गत आने वाले बड़वाली और सांगवी गांव के बीच दो अज्ञात कार सवारों ने स्कूल संचालक उमेश शर्मा की कार को रोककर रुपये और मोबाइल मांगा। जब रुपये और मोबाइल नहीं दिए तो बदमाशों ने कार का कांच फोड़कर उमेश शर्मा के पेट के ऊपर चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण स्कूल संचालक को उपचार के लिए खरगोन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी गंभीर अवस्था को देखकर चिकित्सकों द्वारा कल देर रात को ही इंदौर रेफर कर दिया, जहां उपचार के लिए इंदौर ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। 24 वर्षीय उमेश शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश में महोबा के निवासी थे और गत 7 वर्षों से अपने भाइयों के साथ बड़वाली गांव में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल चला रहे थे। पुलिस द्वारा शनिवार सुबह जिला अस्पताल में उमेश शर्मा के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। वारदात के बाद ऊन थाना पुलिस अज्ञात बाइक सवार बदमाशों की खोजबीन में जुड़ गई है। जिला अस्पताल पुलिस चौकी प्रभारी का कहना है कि शुक्रवार देर शाम को अज्ञात बाइक सवार लोगों ने उमेश शर्मा को चाकू मार दिया था, जिनके इंदौर ले जाते समय मौत हो गई। उन पुलिस घटना की जांच कर रही है। मृतक के भाई का कहना है कि दो बाइक सवारों ने पैसे और मोबाइल की मांग की थी, रुपए नहीं देने पर मेरे भाई को चाकू मार दिया था। हम 7 साल से बड़वाली गांव में स्कूल चला रहे हैं, हमारी किसी से रंजिश या दुश्मनी नहीं है। पुलिस से मांग है कि मेरे भाई की हत्या करने वाले लोगों की जल्द पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुँचाएं। सांगवी से मेरा छोटा भाई को लेके आ रहा था, कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे भाई को सांगवी और भटवाली के बीच में छेड़ा और सामने से पत्थर मारा, जिसमें गाड़ी का कांच डैमेज हो गया। और भाई ने उतर के पूछा, भैया क्यों मार रहे? तो बोले कि मुझे पैसा दो और अपना मोबाइल दो। भाई ने न देने पर उसने बगल से एक व्यक्ति ने उसको छुरी मार दी। कारण बस पैसे की मांग कर रहे थे वो लोग। भैया भटवाली में रह रहे थे, भैया साथ में रहते थे। मैं स्कूल चला रहा हूँ सरस्वती विद्या मंदिर, तो मेरे साथ में रहते थे सहयोग के लिए। ये कल की घटना है सर, 3:30 बजे के समथिंग की। हाँ, चाकू मार दिया। अब क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि प्रशासन से कि जो मुलजिम है उसको पकड़ा जाए, ताकि ये क्षेत्र में और भी घटना ऐसी ना हो। बस यही है। मैं महोबा जिला का हूँ, ग्राम गोहरारी, थाना चिरखारी, तहसील चिरखारी, उत्तर प्रदेश। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा। पिता का नाम श्री गिरिजा प्रसाद शर्मा। मृतक का नाम उमेश कुमार शर्मा। आप लोग कब से हो यहाँ? 2017 से हैं। क्या घटना हो गई थी सर? ये कल ये प्राइवेट स्कूल चलाते हैं उमेश पिता गिरिजा प्रसाद शर्मा, उम्र 24 वर्ष, जाति ब्राह्मण निवासी और हरित थाना चरखारी, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वर्तमान में भड़वाली के अंतर्गत ये सरस्वती मंदिर के बच्चों को पढ़ाते हैं। कल ये कहीं बच्चों को छोड़ने जा रहे थे, तो बड़वाली और सांगवी के बीच में किसी अज्ञात लोगों ने मोटरसाइकिल रोककर बाएं साइड में कहीं चाकू लगने से यहाँ भर्ती हुए थे, यहाँ से इंदौर रेफर हो गए थे, जो कि कहीं रास्ते में डेट होने से वापस यहाँ मृत अवस्था में लाए गए। कौन से थाना क्षेत्र की सर घटना है? ये घटना स्थल है ऊन थाना क्षेत्र, लगता है जिला खरगोन। अच्छा, वहीं की पुलिस जांच कर रही है? हाँ, ऊन थाने की पुलिस जांच में लगी है। मर कायम करके सीएम करा के डेड बॉडी परिजनों को दी जाएगी। क्या नाम लिखता है? ASI राम नरेश शर्मा, जिला चिकित्सालय पुलिस चौकी खरगोन। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।